दोस्तों नमस्कार। क्या आपके पास भी 15 साल पुरानी गाड़ी है, चाहे वो कार हो, बाइक हो, टू व्हीलर हो, थ्री व्हीलर हो, ट्रक हो, बस हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, और आप उसको रोड पे चलाना चाहते हैं, तो अब आप उसको चला पाएंगे। सरकार एक नई पॉलिसी लेके आ रही है जिसके तहत एक ऐसा नियम लाने जा रही है जिसके तहत आपको प्राइवेट गाड़ी के लिए 25 गुना और कमर्शियल गाड़ी के लिए 125 गुना रजिस्ट्रेशन चार्ज का खर्च करना पड़ेगा, और फिर आपकी गाड़ी से कोई पॉल्यूशन नहीं, सिर्फ ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन निकलेगा। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, इसकी एक वजह है। पहले सरकार के द्वारा ही हवाला दिया जा रहा था कि पॉल्यूशन की वजह से इतनी मौतें हो रही है, जिसकी वजह से 15 साल पुरानी गाड़ियों को रोड से हटाना चाहिए, 10 साल पुरानी गाड़ियों को रोड से हटाना चाहिए। लेकिन जितनी यू टर्न हमारी सरकार ने अपने पॉलिसी बनाने के बाद लिया है, शायद मुझे नहीं लगता कि किसी सरकार ने इतना यू टर्न लिया होगा। चाहे वो संसद के अंदर दिया गया बजट में बयान हो, बजट पेश किया गया हो, उसके बाद फिर कैबिनेट मीटिंग में उसको चेंज करना, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। जीएसटी में कितने बदलाव किए गए बाद में, ये सब आपके सामने है। उसी तरह से अब आप 15 साल पुरानी गाड़ियां रोड पे चला सकते हैं, 5 साल के लिए आपको उसकी फिटनेस सर्टिफिकेट मिलेगी। ये पूरा मामला क्या है, मैं आपको विस्तार से बताता हूं। सरकार एक नई पॉलिसी लेके आ रही है जिसके तहत 2020 के मध्य में ये पॉलिसी लागू हो सकता है, और जिसके तहत सरकार कह रही है कि आप 15 साल से ज़्यादा पुरानी अगर गाड़ी है तो उसकी फिटनेस टेस्ट करा के और उस गाड़ी को आप रोड पे अनदर यानी कि दोबारा 5 साल के लिए चला सकते हैं। उसके लिए अगर आपके पास कमर्शियल गाड़ी है तो 25,000 रुपये तक फिटनेस चार्ज लगेंगे, और अगर प्राइवेट गाड़ी है तो 15,000 रुपये तक आपको खर्च करना पड़ेगा। अब ये पूरा मामला क्या है, जरा इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। सरकार कह रही है कि जो ट्रक, बस या कमर्शियल ऐसी गाड़ियां हैं उनको फिटनेस दिया जाएगा 5 साल के लिए, अगर उनकी उम्र 15 साल हो चुकी है तो, और जिसकी फीस तकरीबन 25,000 रुपये लगेगी, तकरीबन 125 गुना ज़्यादा। वहीं पे प्राइवेट कार जो है उनको 15,000 रुपये खर्च करके और दोबारा री रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेट कार है तो उनका री रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और 5 साल के लिए वो फिर से चल पाएंगे। वहीं पे टू व्हीलर्स के लिए 2,000 रुपये, थ्री व्हीलर्स के लिए 3,000 रुपये। तो इस तरह से सरकार एक पॉलिसी ड्राफ्ट करके ला रही है। वहीं अगर कैब या टैक्सी या मिनी ट्रक की बात करें तो कैब या टैक्सी वालों के लिए 15,000 रुपये पे करना पड़ेगा उनको, अगर उनकी गाड़ी 15 साल पुरानी है तो। मिनी ट्रक वालों को 20,000 रुपये करीब पे करना पड़ेगा। यानी कि जो सारे आंकड़े पहले सरकार दे रही थी कि 10 साल पुरानी गाड़ी हटाओ, पॉल्यूशन बहुत हो रहा है, लोगों की जाने जा रही है, वाकई जा रही है, लेकिन अब वो चीज़ें कहाँ गई। सरकार कहती है कि हम बहुत ही कड़ी तरीके से फिटनेस इसका टेस्ट करेंगे और उसके बाद 5 साल के लिए अलाउ करेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पे है कि जब लोगों को एक बार सरकार ने ये नियम बना लिया था, लोग मानसिक तौर पे तैयार भी हो गए थे, फिर ये यू टर्न लेने की ज़रूरत क्या पड़ी, ये तो खैर सरकार ही बता सकती है। लेकिन सरकार जो नियम लेके आ रही है उसकी मैं बात करूं तो सरकार एक तरफ स्क्रैपिंग सेंटर, जो 15 साल पुरानी गाड़ियां थी या 10 साल पुरानी गाड़ियां जिनकी लाइफ थी, उसके लिए स्क्रैपिंग सेंटर जहां पे उनको आप जाके खत्म करवा सकते थे, वो आपको सर्टिफिकेट देते, वहीं ऑटोमोबाइल वालों को कह रहे थे कि आप जो 10 साल या 15 साल पुरानी गाड़ियां हैं उनको उनके ऊपर आप स्कीम दीजिए, अच्छे अच्छे ऑफर दीजिए ताकि लोग गाड़ियां खरीद सके। खैर ऑटोमोबाइल मार्केट तो किस तरह से पिटा पड़ा है ये आपके सामने है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार अब कह रही है कि अब गाड़ियों की जो उम्र के हिसाब से उनका चलना या ना चलना तय नहीं होना चाहिए, उनके फिटनेस पे डिपेंड करना चाहिए कि गाड़ी फिट है तो चल सकती है। अब यहां पे सवाल ये है कि पहले कुछ और अब कुछ। वहीं पे जो फिटनेस टेस्ट होना है, जो कमर्शियल गाड़ियां हैं उसकी हर साल फिटनेस टेस्ट होगी, जैसा मैंने आप लोगों को रेट बताया, जिसकी 20,000 है उससे 20,000 रुपए लिए जाएंगे, जिसकी 25,000 है उससे 25,000 रुपए लिए जाएंगे। अगर प्राइवेट गाड़ी की 20,000 रुपए है, लेकिन वो सिर्फ 5 साल में एक बार देना होगा फिटनेस करा के, और हर 5 साल पे फिटनेस करानी पड़ेगी प्राइवेट गाड़ियों के लिए। वहीं पे कमर्शियल गाड़ियों का फिटनेस हर साल होगा, यानी कि अगर ट्रक है आपके पास तो 25,000 रुपये आप फिटनेस के नाम पे हर साल खर्च कीजिए और वो ट्रक शायद आपकी चल पाएगी। वहीं पे नए प्लान के मुताबिक, जो नया पॉलिसी आ रहा है उसके मुताबिक, जो वाहन के रजिस्ट्रेशन के चार्जेस पीछे बढ़ाए गए थे, कई गुना कर दिए गए थे,
अभी कहा जा रहा है कि वो नए बढ़े हुए चार्ज भी लागू नहीं होंगे। तो दोस्तों, अब अगर 15 साल पुरानी आपके पास गाड़ी है तो सरकार एक नई पॉलिसी लेके आने जा रही है जिसके तहत आप पैसे खर्च कीजिए हर साल। अगर कमर्शियल गाड़ी है तो फिटनेस कराइए और आपको 5 साल तक वो गाड़ी चला पाएंगे। अगर प्राइवेट है तो एक बार आप उसकी री रजिस्ट्रेशन कराइए और आप उसको चला पाएंगे। लेकिन ये पूरा रूल जब तक सामने नहीं आएगा, हालांकि सरकार कह रही है कि विभिन्न विभागों में इसको भेजा गया है, अभी इस पर विचार किया जा रहा है और 2020 के मध्य में ये रूल लाया जा सकता है। तो अब 15 साल पुरानी गाड़ी अगर आपकी है तो आप रोड पे चला पाएंगे, जो नया नियम आने जा रहा है अभी। शुक्रिया दोस्तों।